हमारा जो आज का ये टॉपिक है, ये आपका डेट लिखी हुई है 4 अक्टूबर 2020, यानी 4 अक्टूबर को 2020 को हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है और हमारी एक तरीके से यूं कहिए कि परीक्षा शुरू होने जा रही है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमारे वो दिन आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। और लगातार बच्चों के मेरे पास कॉल्स आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो पीटी का एग्ज़ाम है ये होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, कब होगा, कैसे होगा, एक्स वाई जेड लेवल के बहुत सारे सारे क्वेश्चंस में से लगातार पूछे जा रहे थे। और अब वो इंतज़ार की घड़ी लोगों आपकी बच्चों आपकी ख़त्म हो चुकी है। सरकार जो है वो क्लियर वर्ड्स में कह चुकी है कि 4 अक्टूबर 2020 को UPSC PT का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सवाल यही है कि ये जो UPSC का एग्ज़ाम आप लोगों का लिया जाएगा, ये किस लेवल का होगा, किस तरीके की प्रिपरेशन करनी होगी और सारे के सारे टारगेट्स किस तरीके से कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों अगर आप मोटे तौर पर देखो तो सबसे पहला यहाँ से एक स्टॉप वॉच शुरू हो चुकी है और टाइम जो है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। आज 6 जून है, आज से आप सारे के सारे, बेटा अभी 2 मिनट रुको, मेरे को सारी बातें पहले खुद अपनी बोल दे दो, फिर टाइम दूंगा सबको अपनी बात रखने का या अपने क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है। तो बच्चों सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ लग जाएंगे और यहाँ से एक साल से तुम लोगों ने जितनी तैयारी की है या फिर एक आधी अधूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं वो सब आपको यहीं पर पता लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को इस पूरी जो स्ट्रेटेजी है लगभग कितने दिन की है वो बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये वो फेज़ होता है जो आपकी सक्सेस और फेल्योर के अंदर सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक अगर आप लोग देखते हैं तो जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करते हो तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अक्सर डेट शीट आ जाती थी और उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे। हम तो कम से कम ऐसा ही करते थे कि बोर्ड की डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई होती है कि अब UPSC में किस तरीके से प्रिपेयर करें, कोई एक्सपीरियंस हो तो वो एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्लान करना है। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास 20 दिन में मानकर चल रहा हूं कि जून के बचे हुए हैं, क्योंकि आज 6 तारीख तो हो चुकी है, 7, 8, 9 अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 7, 8, 9 जो है वो आपको किताबें वगैरह मटीरियल वगैरह अरेंज करने में निकल जाएंगे। तो 20 डेज जून के बचते हैं, 31 डेज जो हैं वो जुलाई के हैं, 31 डेज अगस्त के हैं, 30 डेज सेप्टेम्बर के हैं और 3 दिन अक्टूबर के हैं, 3 दिन अक्टूबर के हैं आपके पास। तो ओवरऑल अगर आप देख लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 100 डेज आप लोगों को प्रिपरेशन के UPSC ने दिए हैं, जो नॉर्मली मोटे तौर पर UPSC अप्रॉक्सीमेट इतने ही डेज आपको प्रोवाइड करती है, लगभग 100 डेज ही UPSC आपको देती है। ऐसी सिचुएशन में अगर 100 डेज आप लोगों को मिले हैं और सिर्फ 100 डेज ही मिले हैं तो असलियत में खेल सारा इस 100 डेज के आसपास ही घूम रहा है। ऐसे में सबसे पहले बच्चा जो है वो डर रहा होता है कि नया पढ़ें यानी न्यू पढ़ें या फिर ओल्ड वन को रिविज़न करें या रिवाइज करें। तो दूसरा एक क्वेश्चन तो सब बच्चे का यही होगा कि नया पढ़ें या रिवीजन करें। दूसरा बच्चा हमेशा ये सोच रहा होगा कि कंपटीशन किस तरीके का होगा। इस क्वेश्चन का जवाब अभी दे देता हूं दोस्तों, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होगा और कट ऑफ जो है इस बार प्रॉपरली हाई जाने वाली है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई हाई कट ऑफ जाने वाली है रीज़न, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सीमेट जो 3 जून को या 31 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, समझे 29 या 31 मई का जो भी एग्ज़ाम होने वाला था, ये मई का एग्ज़ाम जो है उसमें 100 डेज और जुड़ गए हैं और ये 100 डेज और ज़्यादा जो ताकतवर हैं या जो ज़्यादा एग्रेसिव हैं वो इसलिए भी हैं, ये 100 डेज और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, सोच कर देखिएगा बच्चों कि असलियत में ये वो दौर है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर जिसे कहेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्रिपरेशन करने का टाइम मिल चुका है, यानी वो ठीक ढंग से प्रॉपर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। वो किसी तरीके से क्योंकि अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था ना कि मेरा काम बंद था, मैं आ नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाया पेपर से पहले, एक्स वाई जेड जो भी है,
यानी असलियत में बच्चों ने जो मार्च अप्रैल और मई का जो पूरा टाइम पीटी की प्रिपरेशन के लिए डिवोट किया था वही टाइम 100 डेज बढ़ गया है और ये बच्चा जिसकी अच्छी प्रिपरेशन थी वो और ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा प्रॉपर स्टडी करेगा। शर्त ये है वो थक कर बैठ ना जाए और कहीं ना कहीं वो खरगोश ना प्रूव हो जाए कि कछुआ मेरे से बहुत पीछे रह गया और मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन जो है हाई है, इस बार पिछली बार से ज़्यादा होगा। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीटी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीटी इन 100 डेज। अब बच्चा यहाँ से यही सवाल कहीं ना कहीं घूम फिर के पूछेगा कि अगले 100 डेज में हम पीटी कैसे तैयार करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वेयर टू फोकस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंटेंट, वेयर टू फोकस मोर, वेयर टू फोकस मोर, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ट्रेडिशनल या स्टैटिक पार्ट पर, ट्रेडिशनल या स्टैटिक पार्ट पर, या फिर फोकस पूरे का पूरा हमारे को करना चाहिए करंट अफेयर पर, या फिर दोनों के बीच में हो बैलेंस, तो वो किस तरीके से मेंटेन किया जाए, किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं इस टाइम, जो कि कहीं ना कहीं पीटी 2020 के नाम पर बड़ा नाराज़गी या डरे हुए से महसूस हो रहे होंगे, उन सबको एक चीज़ मैं बता दूं अच्छे तरीके से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है 2020 के पीटी के लिए, तो आप पीटी के अंदर आप फेल नहीं हो सकते और कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके, और यकीन मानिए। और अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है प्रिपरेशन करने की, तो आप कुछ भी कर लीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है ही नहीं आपकी प्रिपरेशन करने की, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अब आप इतना समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ या असली मामला क्या है। असली मामला हम ये है कि हम लोगों ने आपको इन्हीं पर्टिकुलर डेज में क्या नाम है इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को समझाने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से आपको पीटी 2020 की तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। देखो कोई भी तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होता है, दो चीज़ें जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट स्टेप और टू थिंग्स, स्टेप वन एंड टू थिंग्स, समझे। सबसे पहला स्टेप है और उसमें चीज़ें दो हैं, स्टेप वन क्या है, फर्स्ट स्टेप एंड टू थिंग्स क्या क्या है उसे समझिए। स्टेप वन उसके अंदर सिंपल सा आपने एक काम करना है, फर्स्ट नो योर सिलेबस, नो योर सिलेबस, अपने सिलेबस को जानो, अपने सिलेबस को पहचानो, और दूसरा नोट द टाइम लिमिट, नोट द टाइम लिमिट। असलियत में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, असलियत में अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि मामला क्या है या कितने डेज बचे हुए हैं, तो आई कैन गारंटी आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट यहाँ से शुरू होगा, इन दोनों चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट शुरू होगा। और सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक शीट बनाइए जिसमें 100 या 110 तक के जितने भी दिन बचे हुए हैं, जिस तारीख से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी आप मोटे तौर पर 10 जून से या 11 जून से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लगभग आपके पास 110 डेज या 105 डेज होते हैं। तो आप 100 से लेकर 99, 100 से 100, 99, 98, 97, इस तरीके से लेकर एक दिन तक की, और वहाँ उसके बाद तारीख 4 अक्टूबर 2020 डाल लीजिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डेली उठेंगे और एक तारीख काट देंगे कि इतने दिन बचे हैं।
अपनी जहां स्टडी टेबल है वहां पर इसे चिपका लीजिए, जहां पर आपकी स्टडी टेबल है वहां पर इस कैलेंडर को चिपका लीजिए, इस पोस्टर को चिपका लीजिए, और 100, 99, 98, 97, 96, 95 यानी 199, 98, 96 etc. वाली एक पूरी लिस्ट, एक पूरी लाइन बना लीजिए, एक पूरी लिस्ट, एक पूरी लाइन बना लीजिए, और उसके बाद रिवर्स में उसे काटना शुरू कीजिए कि आज 100 दिन बचे, आज 99, आज 98, आज 97। तो यानी ये आप कहीं ना कहीं प्रोग्राम 100 डेज या 100 डेज प्रोग्राम आप उसका नाम दे सकते हैं, या प्रोग्राम या फिर स्ट्रेटेजी आप इसका नाम दे सकते हैं कि इस 100 डेज में आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो 100 डेज स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद दूसरा आपको ये है कि नो योर सिलेबस। असलियत में जिस टाइम आप वो कैलेंडर बनाकर साइड में रख लेंगे तो उसके बाद आपको सिलेबस के ऊपर फोकस करना है और कितने घंटे आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर। असलियत में नो योर सिलेबस के दो पार्ट्स हैं। नो योर सिलेबस जो है उसके दो पार्ट हैं, सिलेबस जो कि कंटेंट ऑफ सिलेबस वो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन कि भैया असलियत में अपने सिलेबस को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये पता हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझे। जब आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस और किस लेवल पर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आप बिहेवियर ऑफ योर सिलेबस में काउंट करेंगे। भाई माइक बंद रखो यार, आपको बार बार कहता हूं माइक बंद रखो, ठीक है। अब आप यहां अगर देखते हैं, अब आप यहां पर देखते हैं तो असलियत में दो चीजें मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी, एक है कंटेंट ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस में है क्या क्या, और दूसरा बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन के कुछ तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों देखो सीधी सी बात है, कंटेंट ऑफ सिलेबस के अंदर इतना समझ लीजिए कि दो तरीके का सिलेबस है जो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। एक वो पार्ट है जो कई जगह पर बता दिया जाता है, जो स्टैटिक है, जो स्थिर है, जो रुका हुआ है, और दूसरा पार्ट जो है वो डायनामिक है, जो निरंतर बदलता रहता है और चेंज होता रहता है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह वगैरह। मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो ये कहते हैं कि कंटेंट डायनामिक में से आएगा तो मैं उसे पढ़ूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं कि कंटेंट स्टैटिक में से आएगा तो मैं वहीं उसे पढ़ूंगा। असलियत में दोनों स्टूडेंट बेवकूफ़ है, या कहीं ना कहीं वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो रिस्क ले रहा है और सारा मामला उसके लक का है। दोस्तों कभी भी समझ लीजिए, यू कांट प्रिडिक्ट यूपीएससी कम्प्लीटली, खासकर पीटी में आप यूपीएससी को पूरे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो न्यू पैटर्न डिसाइड हुआ है वो 2013 से लेकर आगे तक है, तो हमारे पास 2019 तक के यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, अप्रॉक्सीमेट हमारे पास यहाँ पर 7 क्वेश्चन पेपर पीटी के हैं। अगर हमारे पास 7 क्वेश्चन पेपर हैं पीटी के, तो उन 7 क्वेश्चन पेपर्स को आप उठाकर देखिए, और मैंने जो कहा 100 दिन, हालांकि बचे आपके पास हैं 107, 108 या 110 दिन, और उसकी आप टेबल बना लीजिए। म्यूट करो माइक, मेरी बात समझिए, असलियत में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उन्हें देखना शुरू कीजिए, और कुछ भी ना करें, यहाँ पर एक टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर अलग अलग खाने बना लें, और ईयर वाइज ये आपका R&D है जो आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और नॉर्मली मैंने कितने ही स्टूडेंट्स को, और यहाँ तक कि हम खुद भी, इस प्रोसेस को या इस फिलॉसफी को फॉलो करते थे।
यहाँ एक तरफ हमने सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईआर, करंट अफेयर्स, इस तरीके से हम लिख लेते थे, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ईयर लिखते थे। ज़्यादा करो तो इसमें आर्ट एंड कल्चर भी लिख सकते हो, एंशियंट भी लिख सकते हो, मिडिवियल भी लिख सकते हो, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हो, और कहीं ना कहीं क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो लिख सकते हो। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, हाँ साइंस एंड टेक लिख सकते हो। शॉर्ट में ये है कि आप ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का आप एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, मतलब 2019 तक के यहाँ खाने बनाएंगे। और हर साल का पेपर यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in इस पर जाकर डाउनलोड करेंगे, इस पर जाकर डाउनलोड करेंगे। 2013 में हिस्ट्री के कितने आए, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, बायोलॉजी के, सभी क्वेश्चंस कितने कितने आए, सभी क्वेश्चंस कितने कितने आए, वो सब आप यहाँ पर देखेंगे लगातार। जब आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेंगे 2013 के बाद, कि मान लिया हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी के 10 आए हैं, ज्योग्राफी के 10 आए हैं, हर किसी के 10-10 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के 10-10 क्वेश्चन आ गए, तो 2014 का लिखेंगे, फिर 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का और 19 का। और आप इस प्रॉपर जो एक टेबल है उसे प्रॉपरली बना लेंगे, भले ही आपको इसमें एक दिन लग जाए, लेकिन ये एक दिन असलियत में अगले 100 डेज की पॉलिसी को डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा। एक दिन पूरा लग जाएगा इस टेबल को बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं उस एक दिन में, उस एक दिन में आपको सारे का सारा एनालिसिस पता लग जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ये वाली टेबल अगर आप ही बना के दे देंगे तो कितना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा बहुत ज़्यादा कि आप लोग मेरी तारीफ करेंगे लेकिन क्वेश्चन पेपर कभी नहीं पढ़ेंगे। इसी बहाने जब आप क्वेश्चन को मोटे तौर पर पढ़ेंगे, मोटे मोटे तौर पर ही सही पढ़ेंगे और वर्ड्स ढूंढ को उसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में डिवाइड करेंगे, तो असलियत में आपको क्वेश्चन का बिहेवियर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब आप ये 7 क्वेश्चन पेपर्स को एक एक क्वेश्चन के रीड करेंगे और लगभग 700 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर डे में रीड करके, मार्क करके एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, तो असलियत में आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन का, और फर्स्ट स्टेप का एक बहुत बड़ा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। असलियत में समझिए, यहाँ आपको समझ में आएगा, यहाँ आपको समझ में आएगा कि हर सेक्शन की अपनी इम्पॉर्टेंस है। एक साल ऐसा भी था जब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में से 35 क्वेश्चन आए थे, और एक साल ऐसा था जिसमें पॉलिटी से 35 क्वेश्चन आए थे, एक साल ऐसा था जिसमें ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से 38 क्वेश्चन आए थे, और एक साल ऐसा था जिसमें इकोनॉमी, सिर्फ इकोनॉमी भरी पड़ी थी, एक साल ऐसा था जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भरी पड़ी थी, और लगभग 2016 के आसपास का साल ऐसा था कि हिस्ट्री के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, 35 में से 3, और सारे पॉलिटी के 2, ज्योग्राफी का 1, इकोनॉमिक्स के 2-3, गवर्नमेंट पॉलिसी सारे का सारा करंट अफेयर पड़ा हुआ था 75 क्वेश्चंस का, 75 क्वेश्चंस का करंट अफेयर पड़ा हुआ था, अप्रॉक्सीमेट 2016 या 17 की बात है ये। ऐसी सिचुएशन में अगर 100 में से 75 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के हों, और एक टाइम ऐसा हो जो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन हों और बाकी सारे दूसरे क्वेश्चंस हों, तो आप इसे इस तरीके से लीजिए कि असलियत में जो ये यूपीएससी है, ये किसी के भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के अंदेशे के अनुसार नहीं चलती, और कैसा पेपर आएगा लास्ट मोमेंट तक पता नहीं लगेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन का फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई क्वेश्चन का फिक्स जो है
कोटा नहीं है कि हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन देने ही देने हैं, कोई कोटा फिक्स नहीं है, किसी तरीके की कोई चीज़ फिक्स नहीं है, सारे का सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो अब रेंडमली प्रिपेयर हो रहा होता है, और रेंडमली कौन सा पेपर आपके सामने आकर प्रकट हो जाए पता नहीं, इसीलिए यूपीएससी को प्रिडिक्ट करके उसी के अनुसार स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश ना करें। अगर प्रिडिक्ट कर भी रहे हैं तो इतना समझ लीजिए यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, के जो यूपीएससी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है कि अब इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली कभी भी यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा पेपर आ जाए या कैसा पैटर्न क्वेश्चन पेपर का आ जाए। इसलिए टेबल बनाने के बाद अगला स्टेप ये है, जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे वो ये है कि यूपीएससी के अंदर कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, कोई भी सिस्टम फिक्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूपीएससी के अंदर मान लिया हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं तो 10 ही आने हैं। डिपेंड करेगा एग्जामिनर के मूड में क्या चल रहा है, और जो भी 8-10 क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो रखे हैं उनमें से कौन सा क्वेश्चन पेपर उठाकर वो क्या नाम है टाइप करवा दिया गया और ये कहा कि हम ये वाला क्वेश्चन पेपर लेंगे। इसीलिए हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि रिस्क और लक के भरोसे चलने की जगह, क्योंकि लक तो बेवफा है, कब धोखा दे जाए पता नहीं, कोशिश करो इसके बीच में बैलेंस बना कर चलो, इसके बीच में बैलेंस बना कर चलो। समझिए इधर, स्टैटिक और डायनामिक के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जब स्टैटिक और डायनामिक के बीच में, तो भैया स्टैटिक को देख लो कि सबसे पहला सेक्शन हिस्ट्री का, अब हिस्ट्री को भी अगर आप देखते हैं तो एंशियंट, मिडिवियल, मॉडर्न और इसमें भी आर्ट एंड कल्चर पार्ट आता है। अगर आप हिस्ट्री के बाद पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के अंदर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज आप लोगों से यहां से डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी। यही हाल आपका ज्योग्राफी का है, और ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखें, एक तो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भूल नहीं सकते, समझे। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नॉर्मली मिलेंगे, एक आधा क्वेश्चन फिजिक्स का मिल जाएगा और एक आधा क्वेश्चन केमिस्ट्री का मिल जाएगा। तो असलियत में आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो इन सब के चारों तरफ घूमती हुई नजर आनी चाहिए, और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि यहाँ आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, यहाँ पर भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, यहाँ पर भी आप एनसीईआरटी प्लस नोट्स जो भी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ये बायोलॉजी की जो है फैक्ट बुक अगर आपके पास कोई है तो आप उसे फॉलो कर लें। असलियत में प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा इनके या तो इनके अंदर इतना घुस जाएगा कि इनसे बाहर नहीं निकल पाएगा, और दूसरा या फिर स्टूडेंट जो है वो उसमें इतना घुस जाएगा कि वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। असलियत में इन 100 डेज को अगर आप आर्स में काउंट करते हैं तो आपके पास 1200 आर्स हैं प्रिपरेशन के, आपके पास 1200 आर्स हैं प्रिपरेशन के, और असलियत में आपने इन 1200 घंटों को अगर डिवाइड किया, या तो आप 100 डेज को डिवाइड कीजिए, और अगर आप 100 डेज को डिवाइड करते हैं तो वो मैनेजमेंट नहीं होती, जो 1200 घंटे के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होती है जिसमें आप 12 घंटे डेली पढ़ेंगे, 12 घंटे
डेली पढ़ेंगे 100 दिन में तो 1200 घंटे बैठते हैं। मैं आपको इस लेवल पर जाकर प्रिपेयर करने की सजेशन दूंगा कि आप 1200 घंटे के अकॉर्डिंग पढ़ें, ना कि 100 दिन के अकॉर्डिंग। आप 100 दिन के अकॉर्डिंग ना पढ़ें, 1200 घंटे के अकॉर्डिंग पढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 1200 घंटे के अंदर आपने इन सब्जेक्ट्स को आर्स डिवाइड करने हैं। आपके पास इन सब्जेक्ट्स को आर्स डिवाइड करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरा मानना यह है कि जैसे हिस्ट्री का पार्शन ज्यादा होता है, तो मान लिया 50 से 60 घंटे हिस्ट्री को दे दिए गए, 50 to 60 hours आप हिस्ट्री को दे देंगे, 50 to 60 hours आप हिस्ट्री को दे देंगे। यही हाल पॉलिटी में 50 hours का पॉलिटी का है, 50 hours का आपका ज्योग्राफी का है, 50-30 hours का आपका बायोलॉजी का है, और लगभग लगभग इसका जो भी है 10-10 hours रख देंगे। असलियत में मोटा मोटा आप लोग स्टैटिक पार्ट को लगभग लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 to 300 hours देंगे, इससे ज्यादा घंटे नहीं देने हैं, यह समझ लीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं कि इन 100 डेज में इस 300 आवर्स को कैसे डिवाइड किया जाए। तो आप अगर इसे 100 मानकर चल रहे हैं तो गलत सोच है आपकी। असलियत में आपके पास जो ये 100 डेज हैं, इसमें से आप 80 और 20 डेज को डिवाइड कर लीजिए। 80 दिन वो जो रिवीजन के हैं और 20 दिन वो जो दो री रिवीजन के हैं। 80 दिन वो, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? दो मिनट रुकिए जरा, दो मिनट रुको। हाँ अब आ गई है सही आवाज, शायद आवाज सही आ गई है। अभी मैं किसी की कोई बुक नहीं बता रहा, पहले मेरे को स्ट्रेटेजी बना लेने दो। यार अब पीटी सर पे आ गया, अभी भी बुक ही ढूंढते रहोगे क्या? पीटी सर पे आ गया, मैं 100 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अभी भी पीटी ढूंढते रहोगे? बोलिए, अब आप बुक ढूंढते रहेंगे। मैं दोबारा से, कहां से आवाज रुकी थी? हाँ भाई, चलो ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। आर्स बता रहा था वो समझिए। असलियत में जैसे 100 डेज है ना, इस 100 डेज को 100 डेज काउंट करते हैं तो ठीक नहीं होगा। इस 100 डेज को 1200 hours काउंट कीजिए मिनिमम, यानी आपके पास 1200 से 1500 घंटे हैं, और आपने इन 1200 से 1500 घंटे को कितना डिवाइड करना है वो मानिए। मैं 1200 घंटे मानकर चल रहा हूं, मैं 1200 घंटे मानकर चल रहा हूं। अभी किसी के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक समझा रहा हूं, ठीक है? बाद में सवाल का जवाब दूंगा, अभी जिसने भी सवाल पूछना है हमारे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अब 1200 घंटे जो हैं उसमें से आप 300, मतलब आप ये देख लीजिए आपने ये जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कितने देर में रिवाइज करना है। 50 से 60 घंटे हिस्ट्री को देंगे, 50 घंटे पॉलिटी को देंगे, 50 घंटे ज्योग्राफी को देंगे, 30 घंटे बायोलॉजी को। डिपेंड करता है आपका टोटल जो पार्ट है वो कितना कमजोर है। बहुत सो का हिस्ट्री पार्ट बहुत कमजोर होता है, बहुत सो का पॉलिटी वाला पार्ट बहुत कमजोर होता है, तो बहुत सो का ज्योग्राफी वाला। डिपेंड करता है कि किसका पार्ट कौन सा कमजोर है, और जिसका जो पार्ट कमजोर है उस पार्ट पर 5-10 घंटे फालतू दे दो। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो स्टूडेंट जिसने पूरा साल प्रिपरेशन कर रखी है, ईमानदारी के साथ वो लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स उठाए, जिसने पूरा साल प्रिपरेशन कर रखी है वो लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स उठाए, और उन बुक्स को मेनली एनसीईआरटी को, मेनली एनसीईआरटी को याद करना शुरू कर दे, उसी को फॉलो करना शुरू कर दे। अब इस तरीके से अगर आप देखते हैं
इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह जो है ये सारे 50-60 आवर्स, यानी आपने कंटेंट ऑफ सिलेबस जो स्टैटिक पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, जो स्टैटिक पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 घंटे खर्च करने हैं। अब डिपेंड करता है इन 200 से 300 घंटे को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो सुनिए सुनिए, 200 से 300 घंटे को प्रिपेयर करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, असलियत में 80 से डिवाइड कर लो। 200 से 300 घंटे जो हैं इन्हें 80 से, जो 200 से 300 घंटे हैं इन्हें 80 से डिवाइड कर लो, तो पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज 3 आवर्स डेली के आ जाते हैं। बेटा अभी कोई हलो नहीं, अभी मेरे को समझाने दो, बाद में हलो है, माइक ऑफ, आधे घंटे बाद मैं आपके सबकी ग्रीवेंसेस सुनूंगा, सबकी बातें सुनूंगा, अभी नहीं। अब आप यहां समझिए, यानी आपके पास स्टैटिक पार्ट को प्रिपेयर करने के 3 आवर्स डेली हैं, 3 घंटे डेली के स्टैटिक पार्ट को प्रिपेयर करने के हैं, समझे। ऐसे में आप इसे शुरू में 4 घंटे करें या 5 घंटे करें और बाद में धीरे 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 कम करते चले जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही होता है। उसके बाद अगला पार्ट डायनामिक वाला होता है, उसके बाद अगला पार्ट डायनामिक वाला होता है। इस डायनामिक वाले पार्ट में, इस डायनामिक वाले पार्ट में मेनली आप लोगों से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अब सवाल इस करंट अफेयर्स के सेक्शन का है कि कौन से सेक्शन से करंट अफेयर आता है। तो दोस्तों भाई माइक बंद कर लो यार, अभी देखता हूं अगर किसी का माइक खुला हो, वही बार है। किशोर जी माइक ऑफ, किशोर जी माइक ऑफ कीजिए। अब आप समझिए, करंट अफेयर्स के अंदर एक सेक्शन आप लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन का है, समझे, एक सेक्शन आप लोगों का गवर्नमेंट पॉलिसीज का है, एक सेक्शन आप लोगों का साइंस एंड टेक का है, और एक सेक्शन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, समझे, एक सेक्शन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। असलियत में और एक आधा सेक्शन मिसलिनियस का हो जाता है, जिसे बाद में देखें। अगर आप करंट अफेयर को देखते हैं तो असलियत में इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो पेपर में आते हैं, ये ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो पेपर में आप लोगों को करंट अफेयर की फॉर्म में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहां से नो डाउट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तो जो आप टेबल बना रहे थे उसके अंदर इनके भी स्पेशल खाने अलग से बना लिए जाएं, इनके स्पेशल खाने भी अलग से बना लिए जाएं कि इस सेक्शन में, इस खाने में ये आएगा, इस खाने में ये आएगा, और इस खाने में, मतलब आईआर से मान लिया 5 क्वेश्चन आए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से 10 क्वेश्चन आए हैं, साइंस टेक को 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उसमें भी 5-10 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो तुम्हें ओवरऑल सेक्शन पता लग जाएगा कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आए हैं। और मजे की बात यह है,
ये पेपर आपका डिसाइडिंग होता है, और मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें टाइम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और इसे भी अगर डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां इसको प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो मंथली होता है। इसको प्रिपेयर करने का तरीका मंथली होता है। जैसे आपने जून वाली मैगजीन उठाई जिस पर जून लिखा हो, जैसे आपने जुलाई वाली मैगजीन उठाई जिस पर जुलाई लिखा हुआ है, उस जुलाई वाली मैगजीन को खत्म करने के लिए आपके पास कितने घंटे हैं, समझे? तो इतना ऑन एन एवरेज ये देखिए कि आप इस डायनामिक वाले पार्ट को 500 टू 600 आवर्स देने वाले हैं, और ये 500 टू 600 आवर्स भी 80 से डिवाइड होगा, 600 आवर्स भी 80 से डिवाइड होगा। अब ये 600 आवर्स 80 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर 600 आवर्स को, या फिर 600 आवर्स को तो देखेंगे ही, जुलाई से लेकर अगर आप अक्टूबर तक देखते हैं तो सितंबर तक की कहीं ना कहीं मोटा मोटा आएगा, तो इस बार 15 महीने का आपके पास टाइम है जो आपने मैगजीन पढ़नी है, पीटी तक की 15 महीने की पीटी की मैगजीन्स पढ़नी है, और हम इसमें 600 आवर्स मान रहे हैं, तो 4 आवर्स डेली आप लोग उस पर देंगे, 4 आवर्स डेली आप लोग उस पर देंगे। लेकिन क्योंकि 12 मैगजीन्स हैं, क्योंकि 12 मैगजीन्स हैं, तो 15 महीनों का जो 12 मैगजीन्स हैं, तो 4 आवर्स डेली के आपको 15 महीनों के हिसाब से 640 आवर्स पर मैगजीन है, 40 आवर्स पर मैगजीन है। अब आपको हर मैगजीन के ऊपर 40 घंटे देने हैं। अब इन 40 घंटों को आप ये देख लीजिए कि कितने दिन के अंदर आप कवर करते हैं, टोटल का टोटल कहीं ना कहीं 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे ये हो गया, तो 4 घंटे से 5 घंटे ये हो जाएगा, समझे? तो यानी 4 to 5 आवर्स डेली आप इसे पढ़ेंगे, 4 to 5 आवर्स डेली, 4 to 5 आवर्स डेली, 4 से 5 घंटे इसे पढ़ेंगे। कोशिश करो जब आप 12 घंटे दिन के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 9 घंटे 8 घंटे के अंदर पढ़ने का पोर्शन निपटा लें, 9-8 घंटे में पढ़ने का पोर्शन निपटा लें, और बाकी बचा हुआ अपना पूरा टाइम फोकस करें किसमें? बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन जानने में। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, आपके टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यही है, ये याद रखिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की हो ही नहीं सकती। आप प्रीवियस ईयर्स के 7 ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाएं, 2013 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर उठाएं, बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन, बिहेवियर ऑफ क्वेश्चंस आप डेवलप करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, और जब आप बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां से आपको समझ में आना शुरू होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लगेगा, सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पता लगेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लगेगा, सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पता लगेगा।
टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब किस तरीके का क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ क्वेश्चन का मतलब किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, किस जगह से क्वेश्चन उठाया गया है। जिस स्टूडेंट को ये टाइप ऑफ क्वेश्चन और सेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है, जिस स्टूडेंट को टाइप ऑफ क्वेश्चन और बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो स्टूडेंट कभी भी मार नहीं खा सकता। ये याद रखिएगा, वो जितना ज्यादा आप अच्छे से डेडिकेटेडली या कंसंट्रेशन के साथ उस क्वेश्चन को उठाएंगे, उस सेक्शन को उठाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और ये एक ओवरव्यू है कि असलियत में नो योर सिलेबस क्या है, समझे। और जब आप ये क्वेश्चंस और इन सबको टारगेट कर लें तो यहां आप डेली के 1 से 2 घंटे देंगे, 1 से 2 घंटे डेली के आप यहां पर देंगे। तो अब आप कहेंगे सर 3 घंटे यहां बता दिए, 2 घंटे वहां बता दिए और 4 घंटे आपने यहां बता दिए, तो भाई अभी भी तो कम ही है, 12 घंटे कहां हुए हैं। तो आप कहोगे बाकी 3 घंटे क्या करना है, तो 3 घंटे कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 3 घंटे तक कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितने अच्छे से, जितने कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक प्रैक्टिस सेट जो पीटी वाला है वो 2 घंटे आपको लगाने में चाहिए, मैं तो मानता हूं 1.5 घंटे में ही हो जाना चाहिए, और उसको चेक करने में भी आपको 2 से 3 घंटे चाहिए। तो यहां जाकर आपका टोटल काम 12 से 15 घंटे के बीच का बैठता है, 12 से 15 घंटे के बीच का ये टोटल एफर्ट बैठता है, समझे। अब आप यहां देखेंगे कि सवाल यह है कि इसे ऑर्डर कैसे करें, इसका ऑर्डर कैसे लगाएं। आपने बता तो दिया कि सर ऐसे ऐसे ये चीजें पढ़नी हैं। तो देखो, असलियत में आप अगर अपने सेक्शन को उठाकर देखें तो आपने एक तो स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, एक डायनामिक पार्ट पढ़ना है, एक बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन पढ़ना है और दूसरे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, समझे। दूसरे क्या करने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जब आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो ये सब प्लान कर लेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का मतलब पहले क्या करें ये बताइए। तो देखो, यहां सारा गेम माइंड का है, साइकोलॉजी का है कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, सारा उसी का है। तो रियलिटी ये है, सबसे फ्रेश माइंड के साथ सबसे टफ जॉब को किया जाता है, या एक ऐसी जॉब को किया जाता है सबसे टफ माइंड के साथ सबसे फ्रेश माइंड के साथ सबसे टफ जॉब को किया जाता है। सबसे फ्रेश माइंड के साथ सबसे टफ जॉब को किस तरीके से करेंगे आप, इसका मतलब यह है जिस टाइम पर सुबह आप उठते हैं वो आपके जीवन का या वो आपके सारे फेज का सबसे बेस्ट फेज होता है। फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं, चाय वाय पी के उसमें आप टाइम मैनेज करें, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करें। बहुत से बच्चे तो चाय पीने में ही 2 घंटे निकाल देते हैं और चाय पीते रहेंगे, सर खुजाते रहेंगे। इससे अच्छा है 2 बार थोड़ा जंपिंग वगैरह कर लेंगे, या फिर घर वाले घर में किसी को कहें कि कान पे जन्नाटेदार मारे ताकि नींद खुल जाए। दिमाग काम करना चाहिए, सारा खेल दिमाग का है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, नॉर्मली बहुत से बच्चों के साथ होता है कि सुबह उठेंगे 2 घंटे वो सर खुजाते रहेंगे कि सर नींद ही नहीं खुलती हमारे को, तो वो नहीं आता। वो थोड़ी कमजोरी की भी वजह से होती है, थोड़ा एक्चुअली क्या होता है, बच्चे कुछ आलसी भी होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आलसी होते हैं।
तो ऐसे में वो बच्चे सबसे सही होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े अड़ियल होते हैं, गुस्सैल होते हैं और खिंचाई करके बात करते हैं। खैर आप लोग बड़े हो चुके हैं तो ऐसा नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए, मेन बात ये है सबसे पहले फ्रेश माइंड के साथ, इन माय ओपिनियन, मेरा सजेशन ये है फ्रेश माइंड के साथ सुबह जिस टाइम भी उठें, चाहे 5 बजे उठें चाहे 10 बजे उठें, सबसे फ्रेश माइंड के साथ बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन जांचें। एक घंटा आराम से बैठकर, आधा घंटा आराम से बैठकर 5-7-10-20 क्वेश्चन पढ़े आराम से। 20 क्वेश्चन आधा घंटा, पूरा एक घंटा मत दे, दो घंटे एक बार में मत दे देना इसको, समझे? रोज के 2 घंटे एक बार में मत दे देना। सुबह उठे आधा घंटा क्वेश्चन पढ़ा, उसके बारे में सोचा कि क्या आता है, फिर उसको चेक किया, फिर क्वेश्चन सोचा, फिर उसको चेक किया, फिर क्वेश्चन सोचा, फिर उसको चेक किया। आपकी सारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस नॉलेज का गेम यही होता है। आपकी सारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस नॉलेज, जो ज्ञात और अज्ञात या चेतन और अचेतन ज्ञान जो होता है, चेतना और अचेतना वाला जो ज्ञान होता है, वो सारे का सारा खेल यहीं पर होता है, समझे? तो 30 मिनट सबसे पहले ये पढ़ें और 30 मिनट पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो चुका होगा और जो भी छोटे मोटे काम करने हैं वो करेंगे, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट इस पे आ जाएंगे। ये टफ जॉब है। करंट अफेयर, मैगजीन उठाओ पढ़ना शुरू, एक एक वर्ड को 20-20 बार पढ़ो, 10-10 बार पढ़ो, एक एक पैरा को 2-2-3-3 बार पढ़ो, रटो, याद करो, कुछ भी करो, करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो 12 बजे तक यही करना है। सुबह अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो भी यही करना है। सुबह आप 10 बजे उठ रहे हैं तो भी यही करना है, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है और फ्रेश माइंड के साथ सबसे टफ पोर्शन पढ़ा जाता है। करंट अफेयर की बारीकियां जानना जरूरी होता है, करंट अफेयर की बारीकियां जानना शुरू जरूरी होता है, और ये बारीकियां ऐसे ही जानी जाएंगी, ये जानी जाएंगी, ये याद रखिएगा, समझे? उसके बाद डायनामिक पढ़ने के बाद थर्ड स्टेज आपके पास स्टैटिक है, क्योंकि इसे आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना होता है एक तरीके से, तो आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो प्रॉपरली इसे 2-3 घंटे के करीब डेली आप इसे पढ़ते रहेंगे। रात हो चुकी होगी या लगभग जो भी आपका टाइम हुआ होगा, या पूरी डे साइकिल का आखिरी पार्ट बचता है, ये उसके लिए है जो इस समय जीवन से संन्यास लेने की हिम्मत रखता होगा, ये उसके लिए है जो इस समय जीवन से संन्यास लेने की हिम्मत रखता होगा। उस स्टूडेंट के लिए ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल नहीं है जिसको किसी चांद के मुखड़े से बात करनी होती है, जिसको मम्मी सब्जी लेने भेजती है, जिसको पापा कोई काम बताए रखते हैं, या फिर कोई ना कोई दूसरी समस्याएं हैं और वो जीवन में उलझा हुआ है। जीवन में भाई दिन के 15 घंटे आप तभी दे सकते हैं जब आपने जीवन के बाकी कर्मों से, बाकी जिम्मेदारियों से संन्यास ले रखा हो, और आपने बाकी जिम्मेदारियों से संन्यास ले रखा हो और आप दूसरा कोई काम ना कर रहे हो। मैं उस आइडियल सिचुएशन को मानकर चल रहा हूं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ भी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमसे बात करने के लिए इस्तेमाल करें, समझे? थोड़े दिन के लिए अगर हो सके तो मेरे YouTube चैनल को ही अपना चांद का मुखड़ा समझ लें, वैसे भी मेरा चांद बहुत अच्छा है, तो चांद का मुखड़ा समझें और उसी पे फोकस करें, समझे? तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे काम मैनेज करेंगे तो आप मैनेजर नहीं, आप IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं। मैनेज जल्दी से नहीं होगा, एडमिनिस्टर करना है।
एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और इसीलिए आपको पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर करना है। यदि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन आप किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ गई। जब आप ये पूरा पार्ट कर लेते हैं तो अंत समय लास्ट फेज प्रैक्टिस सेट कीजिए और कोशिश कीजिए आराम आराम से उसके आंसर को चेक कर करके तसल्ली से ध्यान दें कि यार कौन सा सेक्शन आपको नहीं आता था, जो नहीं आता था उस पर गोला लगा लें। ये प्रैक्टिस सेट आपके पूरे दिन की मेहनत को भले ही शुरू के 10 या 15 दिन फायदा ना पहुंचाए, ये प्रैक्टिस सेट भले ही शुरू के 10, 15 या 20 दिन आपको फायदा ना पहुंचाए, लेकिन जैसे ही 21वां दिन आपको लगेगा, 20वें दिन मतलब लगभग 20 दिन के बाद ही आपको बहुत सारे चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। करंट अफेयर में सवाल होगा, वो मैगजीन में कोई करंट अफेयर का सवाल पड़ेगा, वो मैगजीन में पढ़ दिखाई दे जाएगा, और मैगजीन में पढ़ी हुई चीजें प्रैक्टिस सेट के अंदर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन कम है, समय कम है, ये मैनेजमेंट का तरीका सबसे बेस्ट है। 80 दिन आपने इस पोर्शन को निकालना है और इस हो सके तो इस 80 दिन से पहले इसे 60-70 दिन के अंदर, या ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो तो 60 दिन में कंप्लीट करो। ये रियलिटी है, 60 दिन के अंदर आप 60 प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे। 60 डेज 60 प्रैक्टिस सेट बहुत होते हैं, हाँ या ना? 60 डेज के अंदर आप सारा सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे, 70 डेज में आप सारा सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे। अब आपके पास फिर दोबारा से 30 डेज बचे हैं। 30 डेज में रिवाइज द साइकिल विद 1/3 ऑफ टाइम, और कोशिश कीजिए अब प्रैक्टिस सेट की रिवीजन ज्यादा हो, बाकी बचे हुए प्रैक्टिस सेट लगाए जाएं, प्रैक्टिस सेट की रिवीजन ज्यादा हो और इस पर टाइम कम दिया जाए। यानी आप पूरे दिन जो हैं अप्रोक्सीमेट 5 और 3 8 2 10 घंटे जहां सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में दे रहे थे, अब वो 10 घंटे प्रैक्टिस सेट में दें, या 5 घंटे प्रैक्टिस सेट में दें और 5 घंटे रिवीजन में दें, दोस्तों प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ये एक बेस्ट फॉर्म है, ये एक बेस्ट फॉर्म है आपके तैयारी करने की। पीटी के 100 डेज का टारगेट 1200 डेज, हाउ टू मैनेज दीज 1200 आवर्स, इन 1200 दिन को, घंटों को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, ये बताने का तरीका मैंने आपको, मतलब ये करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि मामला क्या है, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। अगला एक और वीडियो इस तरीके से बनाएंगे, एक और ऐसा सेशन लेंगे और उस सेशन के अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बताऊंगा कि असलियत में नींद नहीं आ रही, कंसंट्रेट नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यह पूरा का पूरा प्रोसेस है। जो हमारी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो हमसे अभी क्वेश्चंस पूछेंगे, जो हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, कॉन्टैक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दूंगा, और जितना भी हो सकेगा हम उसके अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हेल्प करूँगा इस मामले के अंदर जितना पॉसिबल होगा, ठीक है? तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। दूसरा, सभी स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दें कि भैया हम लोगों ने एक करंट अफेयर्स का और पूरे पीटी स्पेशल का बैच लॉन्च किया है। सभी स्टूडेंट्स को बता दें पीटी स्पेशल का एक बैच लॉन्च किया है जो मंडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा। पूरे 12 महीने के, जो भी 15 महीने के करंट अफेयर्स हैं उन्हें प्रॉपरली आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा।
प्रॉपरली उन्हें रिवाइज करवा दिया जाएगा वर्ड बाय वर्ड या जैसे भी है। तो आपका बहुत सारा एफर्ट करंट अफेयर का जो 6 घंटे का कंसंट्रेशन होगा वो 1 घंटे के अंदर कवर करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके अंदर ये होगा कि जो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं, क्या नाम है, डिसाइडिंग फैक्टर यानी करंट अफेयर है, ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। हम लोग डेली का 1 घंटा का सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड लेंगे, समझे। चलो